ये समोसे देखकर आपको पता चला होगा कि आज हम चाट के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि चाट, ये शब्द चाटने से आया है और पहला चाट बना शाहजहां के टाइम पे, यानी कि दिल्ली में, जहां यमुना का पानी खारा होता था तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तीखा खाना चाहिए, इसलिए चाट बना। चाट पहले ज़्यादा करके दही बड़े से बना था, लेकिन अभी बहुत अलग अलग किस्म के चाट बनते हैं। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं चाट आगरा से, चाट कलकत्ते से, चाट राजस्थान से और चाट मुंबई से। और इसके लिए हम आए हैं गंगूर स्वीट्स में, जहां बहुत बहुत बढ़िया चाट मिलता है। चलिए देखते हैं और पूछते हैं कि खाने में क्या है। सात आठ आज सिर्फ खाऊंगा चाट 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 चाट। देखिए कितना चाट है मेरे सामने। एक शेर से शुरुआत करूं क्या? तो अर्ज किया है कि जिंदगी में नहीं कोई राज और थाट, अगर आपने कभी नहीं खाई दिल से चाट। वाह वाह वाह। मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं, राज से, यानी राज कचोरी से। राज कचोरी इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ ऑल चाट। ओके, ये जो बड़ी सी पूरी होती है, क्रिस्प पूरी होती है, जिसके अंदर स्टफ होता है मूंग, आलू और चटनियां, और ऊपर से दही, सेव, और बहुत अच्छा लगता है। चलो अटैक करते हैं। देखो कैसे आवाज आता है ना, क्रिस्प। देखो अंदर, वाह, दही और चटनी का चिल्ल हो, ठंडी हो, मजा आ जाता है। आप कोई भी फ्रेंच डिश, इंग्लिश डिश, अमेरिकन डिश, चाइनीज डिश लो और राज कचोरी से कंपेयर करो, इट विल नेवर कंपेयर। वाह, ये होगी राज कचोरी। ये है आगरा टिक्की, इसके नीचे कुरकुरी टिक्की रहती है और उसके ऊपर दही जाता है, और जैसे दही जाता है उसे आगरा टिक्की कहते हैं। अब देखो ये टिक्की है कुरकुरी, क्रिस्पी टिक्की है, उसके अंदर चटनियां है, दही है। क्रंची, अब छोले, छोले टिक्की, टिक्की है, टिक्की के ऊपर छोले हैं,
ऊपर सेब जो है वो रतलामी है और तीखी होती है। प्याज, धनिया, आपको मैं पूरे इंडिया का सैर करवा रहा हूँ अभी। छोले भी थोड़े सावर आमचूर जैसे हैं, काले छोले हैं, ऊपर से क्रंची जो सेव आती है उससे एक स्पाइसीनेस भी आता है और एक टेक्सचर भी आता है। इसको ऐसे सोचो कि नीचे की जो टिक्की है वो आलू की है, क्रिस्प है, उसके ऊपर चना या छोले जाते हैं, एक अलग टेक्सचर आता है, फिर सेव आती है जो भुजिया, अलग टेक्सचर, प्याज का क्रंच आता है उसमें, धनिया का फ्लेवर, ब्यूटीफुल। आप अगर कभी राजस्थान गए हो तो राजस्थान की सबसे फेमस चीज़ है प्याज की कचौरी। अभी आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कचौरी क्या होती है, लेकिन ये कचौरी स्पेशल है क्योंकि इसमें फिलिंग जो है इसका प्याज और मसाले है और ये दोनों चटनियों के साथ खाई जाती है। हाँ हाँ, मुझे आप कचौरी में कुछ भी डालो बहुत अच्छा लगता है। दाल डालो, प्याज डालो, मावा डालो, गए हो कभी कलकत्ता? ये भेलपुरी नहीं है, ये झालमुरी है। मुझे याद है मैं पहली बार कलकत्ता गया था, छोटा था, ट्रेन से गया था, गीतांजलि एक्सप्रेस। जैसे ही ट्रेन हावड़ा स्टेशन में आ गई, प्लेटफॉर्म पे झालमुरी बेच रहे थे और यही वो झालमुरी है जो अभी झालमुरी से झगड़ा होता है लोगों का, जैसे पुचके के साथ भी झगड़ा होता है बम्बई वालों का और कलकत्ते वालों का कि भेलपुरी अच्छी या झालमुरी अच्छी, पानीपुरी अच्छा या पुचका अच्छा। मैं टेस्ट करके बताता हूँ, मैं बम्बई वाला हूँ। अच्छा, इसमें चटनी नहीं जाती, इस झाली में चटनी नहीं होती, इसमें सरसों का तेल होता है, टमाटर होता है, कोकोनट होता है, शेंगदाना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर आता है इसमें, एंड इट्स वेरी नाइस। मैं सिंगाना ढूंढ रहा हूँ। मिल गया। ओके, अब क्या खाए? बच्चा है, बम्बई की जयपुरी, कलकत्ते का पुचका, छोले भटूरे और समोसा। जयपुरी खाते हैं ना, बम्बई की, बम्बई वाला हूँ। लवले तो उंगलियों से खाना पड़ेगा, कैसे? कभी चम्मच से खाई है कैसे पूरी किसी ने? नहीं। मैं आपको बताऊं जयपुरी क्या होती है, जरूरत नहीं ना। क्रिस्प पूरी, आलू, सेव,
चटनी प्याज ब्यूटीफुल। छोले पूरी, छोले छोले भटूरे, हाँ हाँ हाँ, छोले भटूरे तो आप फेमस, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने स्टाइल में खाया, अब बराबर से खाता हूँ। अब समोसा खाते हैं। ये समोसा है कलकत्ते में, इसे सिंगाड़ा कहते हैं। और मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं पंजाबी समोसा अवॉइड नहीं कर सकता, कहीं भी देखा मुझे खाना ही पड़ता है। बहुत अच्छा है, सुपर। ज्यादा खाऊंगा चाट तो लग जाएगी वाट। मैंने आज राजस्थान का चाट खाया, आगरे का चाट खाया, छोले पूरी खाई, बम्बई का सेव पूरी खाया, अब बचा है पुचका, कलकत्ते का पुचका, खाए के पुचका। चलो तो ये है पुचका, ये पानी पूरी नहीं है, गोलगप्पा नहीं है, ये पुचका है। और कैसे पता चलता है पता है पुचका, इसका ये अंदर का स्टफिंग अलग होता है और ये पूरी का साइज बड़ा होता है। बम्बई में आप किसी को ये पानी पूरी में ये पूरी दोगे तो वो खा नहीं पाएगा, लेकिन लगता है कलकत्ता वालों ने रसगुल्ला खा खा के अब उनका मुंह बड़ा हो गया है, तो ये पूरा जा सकता है। मैं भी कोशिश करता हूँ, देखते हैं। सच बताऊँ ये खुद बनाने में कुछ मज़ा नहीं, किसी ने बना के दी तो और मज़ा आता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा पानी पूरी से साथ थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है, पूरी बहुत अच्छी है। मैं एक और ट्राई करने वाला हूँ, मैं बड़ी लेता हूँ बड़ी, और देखता हूँ कि मेरा मुंह कितना खुलता है, कितना बड़ा खुलता है। नेक्स्ट टाइम बोलोगे राज कचौरी में मुंह में डाल पूरी, ऐसे नहीं होगा। क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, हर एपिसोड के बाद मुझे यही होता है, पेट भर जाता है और उठना मुश्किल हो जाता है यहां से, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं यहां से उठूं और निकल जाऊं। ओके
अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक, और प्लीज आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है।